हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है माइनक्राफ्ट में, सर्वाइवल सीरीज, जिसमें मैं बिल्कुल ही बिल्कुल कतई जहर वाली एकदम गेम प्ले या फिर जो भी कह सकते हो आप मैं करूँगा। उसमें मैं एक बार भी माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सर्वाइवल में खेलूँगा। तो गाइज हमको यहाँ पर बिल्कुल एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर मेरे को यार कुछ क्या बनाऊँ, यहाँ पर कोई मेरे को कुछ बड़े बड़े जानवर भी दिख रहे मारने से, तो ऐसा करते हो यहाँ पर पेड़ काट लेते हो क्योंकि अभी वो कुछ खास दिखना नहीं है। अभी जो साइड में मुर्गी है उसको भी काट लूँगा यहाँ पर। यार कितना टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पर हम धीरे धीरे लकड़ियाँ काट रहे हैं अपनी। इन लकड़ियों से ना हमको पहले यहाँ पर टूल्स बनाने पड़ेंगे, लाइक एक्स, पिकैक्स, वो सब तो हम चलो बना लेंगे। उसके लिए पहले हमको ना क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने अभी यहाँ पर देखा था, तो क्राफ्टिंग टेबल को ऐसे मतलब एक उसके लिए पहले प्लैंक्स ही होते हैं, एक से चार प्लैंक्स बनते हैं, एक एक वुडन ब्लॉक से चार प्लैंक बनते हैं और चार वुडन प्लैंक से एक क्राफ्टिंग टेबल बनता है। और यहाँ पर ऐसे दो अगर हम प्लैंक्स को ऊपर नीचे रखेंगे तो यहाँ पर एक स्टिक बनती है। और अगर जैसे ये देखो मैं आपको सामने जैसे देख रहा हूँ, आप देख सकते हो, वैसे मुझसे बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देख लो कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। जैसे यहाँ पर देखो आप, मैंने स्टिक बना लिया, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है सब। यहाँ पर मैंने थोड़े से ना टूल्स तो बना लिया, मेरे को यार थोड़ा देखना पड़ेगा कि मेरे को रहने के लिए कुछ जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख मैंने खेल चुका हूँ थोड़ा पहले, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर ना रात को जॉम्बी स्पॉन जाते हैं, तो वो हमको मार देते हैं, तो हमारा जीना हराम कर देंगे एक तरह से, ठीक है ना। वो हमको मतलब जीने देंगे, एक तो जियेंगे तो वापस से मार देंगे, तो क्योंकि वो रात को स्पॉन हो जाते हैं। तो मेरे को एक अच्छी सी एक लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, बहुत बिल्कुल एकदम कह सकते ना, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये एकदम खुला एरिया, तो यहाँ पर मेरे को अच्छा लगेगा खेलने में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अभी मेरे को इतना मेरे पास इनफ सामान है नहीं, मेरे पास इतना इनफ स्टफ़ है नहीं कि मैं यहाँ पर पूरा एक अच्छा सा या फिर छोटा सा पूरा घर बना सकूँ। तो मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, आपने जैसे देखा होगा। तो मैंने यहाँ पर सोचा है कि यार मैंने जैसे तुम्हारे लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, तो क्यों ना मैं उसके एक चेस्ट बना दूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे मतलब एक कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा मैंने सामान कर रहे हैं इकट्ठा, कि भैया मैं सामान को ना खोना नहीं चाहता हूँ। अगर ये सामान मेरा अगर चेस्ट में रख दिया ना मैंने, तो मेरा ये एकदम सेफ हो जाएगा, इसको कोई छू नहीं सकेगा, कोई ज़ॉम्बी नहीं कुछ कर सकेगा। यहाँ पर अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपना एक थोड़ा सा यार मेरे को एक जगह मिल नहीं रही है, तो मैं वहाँ पर अपना पहले एक जगह ढूंढ के, जैसे ना पहाड़ों में आपने कभी देखा होगा कि जैसे खुले एरिया में ना जैसे सामान चाहिए होता है उनको बहुत सारा एक घर बनाने के लिए, एक परफेक्ट जो घर होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना उनमें गड्ढा करके रहूँगा मैं, जैसे बहुत गरीब हूँ मैं, वह उसमें बस गड्ढा कर दूँगा और मैं वहाँ रहने लग जाऊँगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Shadow turns to sun rays and I... to create
highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. पर मैंने एक अपना एक जैसे कहते हैं ना काम चलाऊ, मैंने अपना एक बस रहने का ठिकाना था ढूंढ लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा एक चेस्ट वेस्ट लगा दिया है, ये सब फर्नीचर वर्नी सब बना दिया है। आपको वैसे आपने देख लिया होगा छोटा सा, तो मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत रात हो रही है और थोड़े से मेरे को देखना है क्रीपर भी सामने है। तो यहाँ पर मैं ना यहाँ पर इनसे पंगे नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं इनसे जाऊँगा मरने तो ये सब एकदम ग्रुप बना के आ जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये देखो भिखारी मेरे घर पर आ गया, अपनी भीख मांग लेते हैं, इसको दे देता हूँ इसके लिए। यहाँ पर मेरे को देखो इसने कुछ खास दिया नहीं है, मेरे को लगा था यार कुछ देगा, लेकिन कोई बात नहीं चलो। अब यहाँ पर देखो सुबह हो चुकी है और मेरे को यहाँ पर बेड बनाने के लिए एक वूल की ज़रूरत होगी। और देखो मेरे सामने साक्षात भगवान ने मेरे सामने मेरे को शीप दे दी है, तो जल्दी से मैं इसको जाके मारता हूँ और अपना मतलब बेड बनाने की तैयारी करूँगा। और देखो एक और मिल चुकी है मेरे को, वाओ। यहाँ पर मेरे को दो वूल तो मेरे सामने है, बस मेरे को एक वूल और ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास दो वूल आ चुकी है, एक शीप और ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि है कहाँ यार, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा यार। पिग नहीं चाहिए, एक शीप दिख जाए बस अपना काम हो जाएगा यार, फिर आपको ना वहाँ पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो वहाँ पर एक दिख रही है मेरे को शीप, देखो यहाँ पर भी था शायद, नहीं नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है। वापस वहीं पर जाते हैं कुछ जाएगा, तो जैसे हम आपको पता ही होगा वहाँ पर, जैसे वहाँ पर एक शीप देखी थी मैंने, तो मैं उसको मारने जा रहा हूँ। उससे मेरा फिर क्या होगा, मेरा बेड बन जाएगा, उससे मैं फिर ना रात को पूरी एकदम से निकाल लूँगा। आपको मैंने वैसे काट काट के दिखाई थी रात, तो वैसे ना मेरे लिए बहुत लंबी रात थी वो। अब ना मेरा सारा जो मेरा अब इसको मार के यार मेरी एक्स भी टूट गई है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, जब जैसे मेरा अब इसको मार के मेरे पास तीन वूल आ चुकी है, तो उससे मेरा एक बेड बन जाएगा, मेरा सारा मटेरियल बन चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने घर पर और अपना बेड बना के। तो यहाँ पर ना हमको एक लाइन में तीन वूल लगानी पड़ेगी और उसके नीचे ना तीन वुडन प्लैंक्स लगाने पड़ेंगे, तो हमारा बेड रेडी हो जाएगा फाइनली। नेक्स्ट पार्ट में हम ना वो बनाएंगे, एक बड़ा सा अपना घर बनाएंगे, तो देखना मत भूलना।